वर्चस्व बनाने के लिए युवक की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच व भुड़कुड़ा पुलिस ने दो युवकों को शुक्रवार को धर दबोचा। 26 मई की रात भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र के जखनिया बाजार स्थित शुभम पुत्र रमेश सिंह निवासी करण जी हरिहरपुर अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था कि रास्ते में शुभम सिंह को घेर कर लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें 4 नामजद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच व भुड़कुड़ा को हत्या के खुलासे के लिए लगाया था। एसपी ग्रामीण चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि क्राइम ब्रांच प्रभारी टीवी सिंह व भुड़कुड़ा कोतवाली प्रभारी किशोरी लाल शर्मा हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय मुखबिर की सूचना मिली कि शुभम की हत्या में शामिल राजू यादव कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस को देखकर राजू भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। ये थाना भुड़कुड़ा में 26/5 को एक शुभम सिंह नाम की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में जो उसमें 4 लोग नामजद थे और 2 अज्ञात थे। उसी के छानबीन में प्रभारी निरीक्षक भुड़कुड़ा सिंह साहब प्रधान साहब के निर्देश के साथ लगे हुए थे और उसी दौरान एक अभियुक्त राजू यादव जो नामजद था उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ पर 2 अन्य व्यक्ति प्रकाश में आए जिन लोगों ने वास्तव में घटना में जो वास्तव में सम्मिलित थे। तो उसमें से एक व्यक्ति है राहुल यादव, उसको गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष है और घटना में जो प्रयुक्त आला कत्ल था बांस का डंडा मोटा वाला वो भी बरामद किया गया और एक अभियुक्त के कब्जे से कट्टा भी बरामद किया। सर घटना के पीछे कारण क्या था इन लोग का? घटना के पीछे कारण अभी तक जो आ रहा है कि वो भी कुछ टीवी 100 के लिए मेहता आलम की रिपोर्ट।